क्या आपको पता है कि 1978 में एक ऑस्ट्रेलियन पायलट एक ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए गया था, लेकिन उसके बाद उसका प्लेन कभी लैंड ही नहीं किया। तो आखिर उस टाइम पर क्या हुआ था? ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25, क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी बायोनिक आई डेवलप की है जो ब्लाइंड लोगों को भी विजन दे सकती है? मतलब है ना अमेजिंग, साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल आई ही बना दी है जिससे ब्लाइंड लोग भी देख पाएंगे। फैक्ट नंबर 24, इस इमेज में आप जिस लेक को देख रहे हैं इसका नाम लोनार लेक है और ये महाराष्ट्र में है, और आपको एक ऑर्डिनरी लेक जैसी दिख रही होगी, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये लेक एक्चुअली में एक मीटियोराइट की वजह से क्रिएट हुआ था। मतलब इस जगह पर एक मीटियोर स्ट्राइक हुआ था जिससे ये लेक फॉर्म हुई थी। फैक्ट नंबर 23, आपने क्लोरोफॉर्म के बारे में तो सुना ही होगा और आपको भी ये लगता होगा कि वो सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर ही किसी को बेहोश कर सकता है, लेकिन असली में ऐसा नहीं होता। और क्लोरोफॉर्म कुछ 5 से 8 मिनट लेता है एक इंसान को बेहोश करने में, और ना कि कुछ सेकंड्स जैसा मूवीज में दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 22, 2010 में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ था, और 2010 में एक एक्ट्रेस थी जिसका नाम सैंड्रा बुलक था, और 2010 में उस एक्ट्रेस को एक दिन एक अवार्ड मिला था वर्स्ट एक्ट्रेस के लिए, और उसी दिन उस सेम एक्ट्रेस को एक दूसरे मूवी के लिए दूसरा अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। मतलब एक ही दिन में उसको 2 अवार्ड्स मिले थे, वर्स्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 21, यहाँ पर आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये फोटो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की है जो डिटोनेशन के सिर्फ 1 मिलीसेकंड बाद ही खींची गई थी। मतलब जो एक्सप्लोजन था उसके एक्टिव होने के सिर्फ 1 मिलीसेकंड बाद ही ये फोटो ली गई थी। फैक्ट नंबर 20, 1959 में एक ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से गार्डन में 24 रैबिट्स को रिलीज कर दिया था, और अगले 6 सालों में वो 24 रैबिट्स की पॉपुलेशन 2 मिलियन तक ग्रो कर गई थी। है ना अमेजिंग, सिर्फ 24 रैबिट्स से उनकी पॉपुलेशन 6 सालों में 2 मिलियन हो गई थी, मतलब लगभग कुछ 2 लाख टाइम्स। और इससे आप ये भी देख सकते हैं कि रैबिट्स कितनी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप इस इमेज में एक स्नो लेपर्ड देख सकते हैं? तो कई सारे लोग इस इमेज में स्नो लेपर्ड को नहीं देख सकते, क्योंकि जिस तरह से वो स्नो लेपर्ड कैमोफ्लेज हुआ है उससे वो स्नो लेपर्ड ऑलमोस्ट इनविजिबल दिखता है। और अगर आपको अभी भी वो स्नो लेपर्ड नहीं दिखा तो वो इस इमेज के एकदम बॉटम में है। है ना मजेदार। फैक्ट नंबर 18, आप जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो उन पर ये लिखा होता है कि वो कहाँ पर बनाए गए थे, लेकिन क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ और ही होता है, और वहाँ पर मोस्ट प्रोडक्ट्स पर एक स्केल होता है जो ये शो करता है कि वो प्रोडक्ट कितने परसेंट ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था। फैक्ट नंबर 17, जापान ने अनाउंस किया है कि वो फ्लाइंग कार 2023 तक लॉन्च कर देंगे, और उन्होंने जो अपने फ्लाइंग कार के मॉडल का टेस्ट ड्राइव किया है वो भी सक्सेसफुल रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या 2023 तक फ्लाइंग कार्स आ जाएंगी? फैक्ट नंबर 16, अभी आप अपने सामने एक औरत की तस्वीर देख सकते हैं। तो क्या आपने कभी ये औरत देखी है? आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि कभी ऐसी औरत एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये एक AI जनरेटेड इमेज है। मतलब अब AI ऐसे लोगों की इमेज भी बना सकता है जो एग्जिस्ट भी नहीं करते। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि नासा का जो वॉयजर 1 सैटेलाइट है उसके साथ अभी भी नासा ने कॉन्टैक्ट मेंटेन किया हुआ है, और रेडियो सिग्नल्स की हेल्प से वो इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है। लेकिन 2025 वो लास्ट ईयर होगा जब नासा वॉयजर 1 सैटेलाइट के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा, और उसके बाद वो सैटेलाइट मिल्की वे गैलेक्सी में अकेला घूमता रहेगा। मतलब सोलर सिस्टम से एस्केप कर जाएगा और पूरी तरह से अबैंडन हो जाएगा। फैक्ट नंबर 14, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सबसे लंबी मूवी कौन सी देखी है तो आप कितने घंटे बोलोगे? लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक की जो लॉन्गेस्ट मूवी बनाई गई है उसका नाम है लॉजिस्टिक्स, जो 2012 में बनाई गई थी। और एक बार ये गेस करने की कोशिश कीजिए कि वो कितनी लंबी होगी। तो वो कुछ घंटे लंबी नहीं बल्कि 35 डेज और 17 आवर्स की मूवी है। मतलब टोटल में 857 आवर्स की मूवी है, और यही आज तक की सबसे लंबी मूवी है। फैक्ट नंबर 13, यहाँ पर आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये कोई आर्टिफिशियल इमेज नहीं बल्कि एक रियल इमेज है, और ये वाइट कलर की चीज़ जो आप देख सकते हैं ये लेंटिकुलर क्लाउड फॉर्मेशन है एक माउंटेन के ऊपर। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 12, 1978 में एक ऑस्ट्रेलियन पायलट था जो एक ट्रेनिंग फ्लाइट में गया हुआ था, और उस पायलट को एक फ्लाइंग सॉसर एंथुजियास्ट भी कहा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसी दिन जिस दिन वो ट्रेनिंग फ्लाइट में गया हुआ था उस वक्त वो अचानक से गायब हो गया था, और गायब होने के कुछ देर पहले उसने हेडक्वार्टर्स को ये भी बोला था कि उसके प्लेन के ऊपर कोई अजीब सा प्लेन उड़ रहा है
और थोड़ी देर बाद उस ऑस्ट्रेलियन पायलट ने ये भी कहा था कि वो एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि कुछ और ही है। और उसके एकदम बाद ही वो पायलट गायब हो गया था। और कई लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने उस दिन ऑस्ट्रेलिया में एक यूएफओ जैसी चीज देखी थी, लेकिन कुछ ऑफिशियल्स का ये कहना है कि उसके डिसअपीयरेंस के पीछे कोई यूएफओ का हाथ नहीं है और वो दूसरा प्लेन जो उसे दिखाई दे रहा था वो उसकी ही प्लेन की एक रिफ्लेक्शन थी जो किसी के पास वाटर सोर्स से आ रही थी। है ना शॉकिंग, किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि उस प्लेन को क्या हुआ था। फैक्ट नंबर 11, यहाँ पर आप ये जो इको ब्रिज देख रहे हैं ये सिंगापुर में बनाया गया है और ये इसलिए बनाया गया है ताकि एनिमल्स इस हाईवे को आराम से क्रॉस कर पाए। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि जो बैम्बू होता है वो इस दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट में से एक है। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि बैम्बू की कई स्पीशीज एक घंटे में 1.5 इंच तक बढ़ सकती है। है ना अमेजिंग, एक बैम्बू का प्लांट एक घंटे में 1.5 इंच तक बढ़ सकता है। फैक्ट नंबर 9, आपको ये तो पता ही होगा कि मून की ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर कुछ फिनोमेनाज होते हैं। तो क्या आपको पता है कि चाइना ने भी एक आर्टिफिशियल मून बनाया है जो लूनर लो ग्रेविटी कंडीशन को सिम्युलेट या रेप्लिकेट कर सकता है, और वो भी किसी वक्त, और ये मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पर चलता है। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, यहाँ पर आप ये जो डिजाइन देख रहे हैं ये 1990 में एक अम्यूजमेंट पार्क का डिजाइन बनाया गया था और उस समय इसे अम्यूजमेंट पार्क राइड ऑफ द फ्यूचर कहा गया था। मतलब 1990 में इस डिजाइन को अम्यूजमेंट पार्क का फ्यूचर माना गया था। फैक्ट नंबर 7, एक 27 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ने एक सोलर पैनल बनाया है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी सोलर पैनल नहीं बल्कि एक ऐसा सोलर पैनल है जो इसने फूड वेस्ट से बनाया है, और ये सोलर पैनल क्लाउडी डेज पर भी अच्छी खासी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। फैक्ट नंबर 6, यहाँ पर आप ये जो नंबर देख रहे हैं इतनी डिफरेंट वेज में एक रूबिक्स क्यूब को शफल किया जा सकता है। मतलब रूबिक्स क्यूब के इतने सारे डिफरेंट पॉसिबल कॉन्फिग्रेशन हो सकते हैं। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, एक कंपनी है जिसने एक स्मार्ट फेस मास्क नाम का मास्क बनाया है और उसमें ब्लूटूथ हेडफोन्स भी होंगे, और इस स्मार्ट फेस मास्क की कॉस्ट 20,000 रुपये से भी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 4, एक एक्सपेरिमेंट के टाइम एक पाइथन स्नेक को एक ड्रग लैब में रखा गया था, और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि उस ड्रग लैब में रहते रहते वो पाइथन स्नेक एक ड्रग से एडिक्टेड हो गया था, और उसके बाद उस पाइथन को रिहैब सेंटर भेजना पड़ा था, वो भी 7 महीनों के लिए। फैक्ट नंबर 3, ये ऑप्टिकल इल्यूजन देखिए कि आपको भी इस इमेज में ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो असल में इस पिक्चर में कहीं भी ब्लैक डॉट्स नहीं है, और यहाँ पर आप इसकी एक जूम्ड इन इमेज भी देख सकते हैं, और यही ऑप्टिकल इल्यूजन है जिससे हमारा ब्रेन यहाँ पर ब्लैक डॉट्स को भी परसीव करता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि आज तक शार्क अटैक से ज़्यादा लोग सेल्फीज लेते हुए मरे हैं। मतलब जितने लोगों को भी शार्क ने मारा है उससे ज़्यादा लोग सेल्फी लेते हुए मरे थे। फैक्ट नंबर 1, आप टीवी पर जो भी आइसक्रीम की एडवर्टीजमेंट देखते हो वो असली में आइसक्रीम नहीं होती बल्कि मैश्ड पोटैटोज होते हैं, और आइसक्रीम ऐड की शूटिंग के लिए मैश्ड पोटैटोज को ही यूज किया जाता है। तो गाइस, यही थे आज के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।